नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं नरेंद्र सिंह झाला। आज हम आम में कलम बांधेंगे। तो ये हम इसकी डालियां काट कर ले आए हैं। जो ऊपर की डालियां मेन होती है वही काटी है। और इस ये हमारे आम है, 1 साल के हो चुके हैं, तो इस पर हम कलम बांधे। तो दिखाता हूं आपको कैसे कलम बांधनी है। सबसे पहले इसके लिए आपको एक चप्पू चाहिएगा, एक प्लास्टिक की इसको बांधने के लिए प्लास्टिक, और ये कटर काटने के लिए। तो सबसे पहले ये इसके जो कांड होते हैं वो हम निकाल देंगे। एक भी बांध नहीं रखा है। तो ये हमारा तैयार है। यहाँ पर इसमें हम जो ये कलम करेंगे, सबसे पहले जहाँ पर कलम करनी है वहाँ से काटना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से हम काटेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर दोनों ओर से थोड़ा थोड़ा काटेंगे। ये एक ओर से निकाला, ये दूसरी ओर से। दोनों ओर से बराबर रहे इस तरह से काटना है हमें। तो चप्पू थोड़ा सा धार वाला हो तो बढ़िया रहेगा। सही से काटने के बाद दोनों ओर से इसके बीच में हम चीरा लगाएंगे, बीचों बीच। और उस चीरे में हम इसको डाल देंगे, ये आप देख सकते हैं। अब इसको सही से बांधना है। प्लास्टिक थोड़ा तन सके वैसा लेना है, ताकि एकदम फिटिंग बहुत बढ़िया है इस तरह से। इस तरह से एकदम फिटिंग में हम बांधेंगे इसको, एकदम तन के, ताकि हवा ना ले सके। अगर हवा चली गई तो सक्सेस नहीं जाएगी। तो ये हमारी कलम तैयार है, दिखाता हूँ आपको। अब 8 से 10 दिन में ये अगर लगी होगी सही से तो पान निकालेगी। तो मित्रों, और भी आम हमारे हैं 1 साल के, तो एक और कलम बांध के आपको दिखाऊंगा, ताकि कुछ पता ना चले तो आप मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो हम बना सके। और लाइक भी दे दीजिएगा, ताकि चैनल मेरी आगे बढ़ सके। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। ये मैं दूसरी आपको दिखाता हूँ। इसमें ये पसंद करने के लिए अच्छा पेड़ होना चाहिए, और इसकी डाली मजबूत होनी चाहिए, और कोई भी रोग ना हो इसमें, रोगिष्ट ना हो। और ये आप देख सकते हैं आगे कुंपल भी फूट रही है, तो इसके कारण ये जल्दी से लग जाएगी। अभी दूसरी कलम करके आपको दिखाता हूँ। दूसरा हम इसमें करने वाले हैं, इसका तना थोड़ा बड़ा है, तो इस हिसाब से करेंगे। इसको भी
इसी तरह से काटेंगे हम। ये हमने काट ली है और इसमें बीच से जीरा लगाएंगे। और इसको इस हिसाब से लगा देंगे। ऐसे रोल बाज़ार में मिल जाएंगे आपको प्लास्टिक के, तो थोड़ी मजबूत प्लास्टिक हो उसका ध्यान रखिएगा ताकि खिंचाव में कोई तकलीफ ना हो आपको। पहले से एकदम खींच के बांधेगा ताकि हवा बिल्कुल ना जा सके इसमें, और बढ़िया से बन जाए। ऊपर क्या बज ले रहा, तैयार है। और अगले अगर सही से बंधी होगी तो निकलेगी, तो मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा कि हमारी कलम कैसे बंधी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।